हेलो बच्चों, अभी सर्कल्स चैप्टर से केस स्टडी करते हुए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10 मैथ्स से के लिए हम लोग 2 नंबर केस स्टडी पे आ चुके हैं, जिसमें बोलता है कि वरुण जो है वो एक टी शर्ट को सेलेक्ट करता है और जो टी शर्ट है वरुण का, उसका डायग्राम इसमें आपको दिख रहा होगा। और ये जो डायग्राम है बच्चों, उसमें बेसिकली क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, देखिए आप, और ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल बना हुआ है। और इसको नेक्स्ट पेज में इसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बोलता है कि इसमें एक सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है ट्राइंगल एबीसी के अंदर में, और इस प्रकार से है कि जो ए बी है, बी सी है और सी है, वो पॉइंट डी ई और एफ पे रिस्पेक्टिवली उसको टच कर रहा है, किसको, सर्कल को। और यहाँ पे जो लेंथ दिया है, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अब हम लोगों को पूछ रहा है ये कि पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ए डी के लेंथ को हम लोग को फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए डी का लेंथ है उसको एक्स हम लोग मान लेंगे। तो देखिए, ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और ये जो सर्कल पे वो दो दो टेंजेंट ए डी और ए एफ बना रहा है, तो ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा, मतलब ए डी इक्वल टू एफ होगा। उसी प्रकार से जो पॉइंट पी बी है वो भी सर्कल पे दो टेंजेंट बना रहा है, बी ए और बी डी, मान लीजिए इसका जो लेंथ है ये वाई वाई इक्वल होगा। उसी प्रकार से पॉइंट सी है, ये भी दो टेंजेंट बना रहा है, सी एफ और सी, मान लीजिए ये जेड है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको मान लें, तो हम लोगों को टेंजेंट की प्रॉपर्टी से ये तीन एक्स वाई जेड वेरिएबल मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ए बी का वैल्यू जो है वो एक्स प्लस वाई है और बी सी का वैल्यू जो है वाई प्लस जेड है और ए सी का वैल्यू जो है वो एक्स प्लस जेड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, इसको टू मान लीजिए और इसको इक्वेशन थ्री मान लीजिए, तो ये वन प्लस टू प्लस थ्री कर लेंगे, तो ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो कि ट्राइंगल का पेरीमीटर है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। और ये हम लोग को वैल्यू दिया है ए बी का, ए बी का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया है, देख लीजिए आप स्क्रीन पे, 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, तो 12 प्लस 8 प्लस 10 इक्वल टू 30, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/2 इक्वल टू 15, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों को बारी बारी से इसमें एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम लोग, जैसे पहले तो इसमें ए डी पूछ रहा है तो एक्स है, तो एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन 2 है उसको 4 से माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, तो देखिए इक्वेशन 4 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस इक्वेशन 2 है माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, इक्वल टू है ये 30 माइनस 8, सॉरी 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 कितना होगा, 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को जो पूछा है ए डी, तो ए डी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ बी, तो इसमें बी के लेंथ को हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बी देखिए क्या है, बी जो है हम लोगों ने माना है इसको, बी को अगर आप यहाँ पे देखें तो आई माना है। अब फिर उसी प्रोसेस से जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि इसमें हम लोगों को ये जो थर्ड वाला है उसको माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 4 से, तो यहाँ पे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3rd, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू 5।
तो वाई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सेकेंड के बी ऑप्शन में टिक लगा देंगे वाई इक्वल टू 5 पे। अब थर्ड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ। तो सी एफ जो है हमने जेड माना है उसको, सी एफ को हमने क्या माना है यहाँ पे देखिए ये जेड ले लिया है। अब जेड को हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो सेम प्रोसेस को फिर से रिवाइज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 4 से माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15 माइनस 12, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, थर्ड का है डी नंबर। उसके बाद बोलता है इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसमें हम लोग को रेडियस दिया है सर्कल का, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद हम लोग को पूछता है कि एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अरे भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन बच्चों यहाँ पे रेडियस एक और होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये वो डी जो वो भी रेडियस होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब जब ओ डी रेडियस है तो ये जो ट्राइंगल ओ ए बी में ओ डी जो है परपेंडिकुलर है, माने ये इसका अल्टीट्यूड है, हाइट है, क्योंकि ये जो रेडियस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जहाँ पे ये जो टेंजेंट है, यहाँ पे देखिए ए डी क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये उसका अल्टीट्यूड होगा। तो बच्चों अगर हम लोग ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करें तो हम लोग को फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए इसका बेस जो है 12 सेंटीमीटर है और हाइट जो है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो 2 1 2 6 इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका एरिया कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं एरिया जो है कौन से ऑप्शन पे है, देखिए ऑप्शन नंबर सी पे है ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सेम ये जो ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड आउट किया है वैसे इसमें 3 ट्राइंगल और फॉर्म होंगे, मैं बना के बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है उसी प्रकार से हमारे ट्राइंगल ओ ए सी है और ट्राइंगल ओ बी सी है, तीनों के एरिया को अगर इंक्लूड कर देंगे हम लोग को तो टोटल एरिया आप ए बी सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए कि हाफ इंटू ए बी इंटू ओ डी हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए बी का जो एरिया है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे हाफ इंटू ए बी का वैल्यू 12 है और ओ डी 4 है, प्लस हाफ इंटू इसमें ए सी जो है वो 10 है और ओ एफ भी 4 है, रेडियस है। और सेम प्रॉपर्टी इसमें भी हो रहा है कि ये जो ए एफ टेंजेंट है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर और रेडियस, उसी प्रकार से बी अगर टेंजेंट है तो ओ ई जो है रेडियस जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये प्लस हाफ इंटू बी सी का वैल्यू है 8 इंटू 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 6 तो 6 4 24 प्लस 2 1 2 5 5 4 20 प्लस 2 1 2 4 और 4 4 16, ये सब को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24 प्लस 20 44 और 6 50 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 5th का ऑप्शन नंबर बी है 60, तो यही इसका आंसर होगा। अब चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो बच्चों काफ़ी अच्छे से और डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।